त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के इस खास स्पेशल शो जिसका नाम है गांव की सरकार R9 भारत आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड और क्या है जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सतगवा प्रखंड से भावी जिला परिषद उम्मीदवार ललिता देवी को मिल रहा है अपार समर्थन। उम्मीदवार के निवेदक मनोज साफ का कहना है कि जनता का जोरदार समर्थन मिला, 11 सालों के विकास में कमियां बहुत हैं। जनता के समर्थन में आज उनके बीच प्रत्याशी के निवेदक के रूप में वह उपस्थित हुए हैं। अगर वह चुनाव जीतते हैं तो जनता के हित में धरातल पर आकर विकास का कार्य करेंगे। निवेदक मनोज साफ ने R9 भारत संवाददाता कौशल पांडे से करी खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत के नेशनल न्यूज चैनल। आज हम उपस्थित हैं सतगामा भाग संख्या 1 से जिला परिषद उम्मीदवार ललिता देवी के यहाँ। आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और ये उनका जवाब देंगे, और साथ में हमारे हैं ललिता देवी के निवेदक मनोज साहब जी। आपका नाम? ललिता देवी, जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में। तो आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज साहब है और मैं ललिता देवी का जिला परिषद तो रूप में आए हैं और भाग संख्या 1 सतगामा से लड़ रहे हैं और उन्हीं का हम सहयोगी हैं और समाज सेवा का भी काम करते हैं और विशेष आपकी चैनल के माध्यम से आपको हम कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सतगामा प्रखंड में आपका चैनल पिछड़े लोग को ऐसे ऐसे लोगों को आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं कि हमारे सतगामा में एकता का एक तरह से प्रतीक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी कि आपने हमारे चैनल को उस पात्र को समझे, धन्यवाद। तो आइए इनसे सवाल करते हैं और ये सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर पहला कि अगर सतगामा भाग संख्या 1 से जिला परिषद के रूप में निर्वाचित होते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, सतगामा क्षेत्र जो है शुद्धवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पिछड़ी भी बहुत है और यहाँ के हिसाब से हम घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बहुत कमी देखने को मिला है हमको है, सड़क का, पानी का, बिजली का आदि, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बहुत सारा समस्याएं देखने को मिला है। अगर जनता ने हमें मौका दिया है, समय अगर देगा तो इस सब समस्या से हम निदान करेंगे और इस पर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के काम करेंगे। सवाल नंबर दूसरा मनोज जी कि अगर आप जिला परिषद से निर्वाचित होते हैं तो आपका शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य होगा? मेरी शिक्षा के प्रति हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से ये शिक्षा जो होता है कि भौतिक जीवन में जीने की कला हमें सिखाता है और समाज को एकता करने की और समाज को चिन्हने की और परखने की हमें योग्यता बताता है। हम चाहते हैं कि समाज हमारा एकता हो शिक्षा के जरिए में, और शिक्षा अभाव के कारण हमारे गाँव ग्राम में माता बहनों लोग जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, बहुत से थोड़ा सा कुटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले शिक्षा के प्रति हम बहुत पहला मेरा नंबर रहेगा कि शिक्षा के प्रति हम जो है सो संकल्प के रूप में हम एक काम करेंगे कि हमारे गांव ग्राम में बाल बच्चे में बाल विकास में ऐसे शिक्षा हो कि अपने आप में जागरूकता हो। मतलब
क्या है कि जैसे स्कूल में बच्चे लोग का ड्रेस मिलता है, खाना मिलता है, कॉपी मिलता है, उनको अनाज भी मुहैया कराया जाता है बच्चे को, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लापरवाही इस होने कारण बच्चे नहीं जाने के कारण उस सब चीज़ से वंचित रहते हैं। तो इतना प्रयास करेंगे कि बच्चे स्कूल जाए और अपना जो सरकार का जो लाभ मिलता है वो बच्चों तक पहुँचे, हम वो काम कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद मनोज जी, मैं आपसे सवाल किया उसका सटीक जवाब दिया। सवाल नंबर तीसरा है कि अगर आप जिला परिषद के रूप में निर्वाचित होते हैं तो महिलाओं को लेकर आपकी क्या भागीदारी होगी? देखिए, महिलाएं के रूप में सबसे बड़ा हमारे समाज एकता न होने के कारण महिलाओं जो है सुरक्षित नहीं है और हर जगह अभी डर के भाषाएँ से जीते हैं। और हमारा सोच यही होगा कि महिलाएं भी बेखौफ होकर चले और महिलाओं को मान सम्मान जो उसका अधिकार है वो मिलता रहे और उनको दिलाने के लिए हम तत्पर खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नंबर चौथा कि आप जिला परिषद उम्मीदवार से निर्वाचित होते हैं तो स्वास्थ्य के लेकर आपका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, स्वास्थ्य आज के डेट में एक ऐसा समस्या बन चुका है कि समय पर गांव में ऐसी समस्या आ जाता है, देखने को मिलता है कि समय पर गाड़ी नहीं आता है और समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचता है। हम चाहते हैं कि समय आने पर हम इस समस्या को समाधान करने के लिए हम तत्पर खड़ा रखेंगे ताकि समय पर उनका इलाज हो, समय पर पेशेंट को देखा जाए और साफ सुथरा का सफाई का भी अभियान हम लोग उसको जागरूकता के रूप में करते रहते हैं, हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। सवाल नंबर पाँच, सड़क, पानी, बिजली को लेकर आपका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, सड़क आज के डेट में जहाँ हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सबसे बहुत बड़ा समस्या हमको देखने को मिल रहा है पानी का और दूसरा सड़क का। आदि सड़क को ऐसा देखने को मिल रहा है कि आदमी अगर हल्का सा पानी भी पड़ता है तब मान लिया अगर कोई पेशेंट है, कोई मजबूरी है, कोई ऐसी ज़रूरी काम है तो आदमी समय पर जाने पड़ता है। हम ऐसा देखने को मिला है गांव-गांव में भी है कि डिलीवरी पेशेंट होने के बाद स्थिति में गाड़ी नहीं आने के कारण आदमी को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो हमारे गाँव-गाँव के हर पंचायत का थोड़ा बहुत देखने को मिला है कि सड़क का बहुत अभाव है और सबसे पहले हम जो है सो सड़क का काम और पानी का काम ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। सवाल नंबर छः कि युवा वर्ग के लिए आपका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, युवा वर्ग आज के डेट में एक बहुत बड़ा समस्या है। समस्या ये है कि देखते हैं डिग्री करके बहुत से लोग सरकार से नौकरी के पीछे नौकरी के लिए मांग रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस तरीके से ध्यान नहीं देने के कारण हमारे युवा वर्ग बेरोजगार हैं। हम तो उतना नहीं कर सकते हैं कि उनको नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन सरकार का जो कृषि वर्ग विभाग से जो काम आता है उनके जरिए हम उनको पहुँचाने का काम करेंगे और उनको एक दिशा दिखाने का भी मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद और जनता से वही प्रार्थना करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, कर्म संख्या 9 पर है, भारी मतों से आप विजय बनाएं कि ताकि आपके बीच में हम हर जो वादा किए हैं वो काम को पूरा करने के लिए आपके तत्व के ऊपर तैयार रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी।